वेटर मेरी कॉफ़ी लेके आओ, जो कि मेरे पास है नहीं, बट मेरे को फिर भी प्रिटेंड करना है कि मेरे पास वेटर है। क्यों करना मुझे अभी तक नहीं पता। लॉल, मैं अभी अपने आप को शीशे में देख के आया हूँ कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। कैमरा तो साफ है ना। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई देख रहे, तू जैसे मर्जी फील कर रहा है, लेकिन देखो क्यू एन ए वीडियो डालनी ही पड़ेगी, चाहे छोटी सी डाल लेकिन तेरे को डालनी पड़ेगी। तो हियर आई एम। सो हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग मुझे नहीं जानते हो, तो मेरा नाम है ऋतिक एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो प्लीज़ एक ये रेड कलर तो है नहीं, एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ना मुक्का मार के तोड़ दो। मैं चाहता हूँ वो ग्रे हो जाए मुक्के से, ठीक है? सच में मत मार देना, नहीं तो तुम्हारा फ़ोन टूट जाएगा और मेरी वीडियोज़ कहाँ देखोगे तुम। क्वेश्चंस क्या किए थे, पहले ही सिलेक्ट कर लिए थे, सो दैट कि मेरे को अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े और तुम तक वीडियो आज ही शाम तक पहुंच जाए। अभी तुम देख रहे हो ना, हाय क्या हाल है। तो पहला क्वेश्चन नेहा जैन की तरफ से है, ये बोल रही है व्हाट्स द वन थिंग वुड यू चेंज अबाउट योरसेल्फ। तो यार मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ, ठीक है? रात को सोते टाइम ना मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ जिससे मेरे को नींद ही नहीं आती है। तो वो चीज़ मैं अपने आप की चेंज करना चाहूँगा, बट आई डोंट नो वो कैसे चेंज होती है। सैड लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन है भूमिका चोपड़ा की तरफ से, व्हाट एम्बैरेसेस यू द मोस्ट और कोई एम्बैरेसमेंट मोमेंट मेरी लाइफ में। सो एक ही चीज़ एम्बैरेस करती है मेरे को, एम्बैरेस मेरे को, वैसे मैं पब्लिकली तो एम्बैरेस नहीं होता, बट मैं अपने आप को लेके इस चीज़ के लिए एम्बैरेस हो जाता हूँ कि मैं अपने आप को किसी से कम समझता हूँ। जैसे अगर मैं देख रहा हूँ किसी की भाई 6 फुट हाइट है तो मेरी कम क्यों है, बट अभी ये चीज़ मेरे अंदर बहुत कम हो गई, पहले बहुत ज़्यादा थी। सो यस, अगर अभी तुम 6 फुट भी हो तो तुम जाले साफ करो, ठीक है? मेरे को मत बताओ, ठीक है? रानिता पूछ रही हैं अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। सो सी, ट्रू लव जो है वो ट्रू लव होता है आई गेस, ठीक है? तुम्हें दिल से महसूस होता है। अब सामने वाला तुम्हारा काटने बैठे हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इट्स द अदर थिंग, बट या ट्रू लव इज ट्रू लव विच कैंट बी डिफाइंड एट ऑल। मुझे कभी हुआ नहीं है, एक बार नस काटने की कोशिश की थी मैंने, बट एनीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यशी की तरफ से है, ये पूल होता तो ये बोल रही है हाउ यू फाइट विद एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, आई मीन व्हाट डू यू डू टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, बिकॉज आई नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल गो थ्रू थिंग्स दैट कैन लीड अस टू डिप्रेशन। सी इफ यू आस्क मी, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सबसे पहले डिप्रेशन में जाएगा, इवन दो आई हैव दिस स्माइल, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं होता। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक, ठीक है? हंसते चेहरे पे भी दुख होते हैं। अब बात ये है कि इससे हम फाइट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रख के, ठीक है? अगर आप वेले बैठे हो तो वेले मत बैठो, कुछ काम धंधा कर लो। घर वाले तुम पे चिल्लाते रहते, तुम काम नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता बोल रही है हाउ डिड यू मैनेज टू बी स्टिल सिंगल, हु टोल्ड यू आई एम सिंगल, आई एम कमिटेड विद यू ऑल, दैट्स व्हाई आई लव यू एंड यू लव मी बैक। मक्खी की तेरी बहन का भाई गया बाजार तेरे लिए शिमला मिर्च लेने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव की तरफ से, ये बोल रहे हैं जल्दी क्यू एन ए डालो। हाय, अपलोड हो गया। यशवनी बोल रही हैं योर डेली रूटीन इंस्टाग्राम स्नैपचैट एंड फेसबुक विच वन इज योर फेवरेट फर्स्ट प्रायोरिटी, डीएक्टिवेट और शॉर्ट परमानेंट डिलीट। तो डिलीट मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो इन्होंने पूछा होगा कि डिलीट अगर करना होगा तो कोई भी ऐप नहीं कर सकता। स्नैपचैट पर सबकी, मेरी एक्चुअली अपनी एक फैमिली, इंस्टाग्राम पे अपनी एक, सबकी एक अलग जगह है मेरी लाइफ में। सो इट इज़ काइंड ऑफ दैट सिचुएशन वेयर आई कॉन्ट डू एनी थिंग, बस मैं तुमको प्यार दे सकता हूँ और तुम मुझे दे सकते हो प्यार, और किसी को नहीं। क्वेश्चन सुम्बुल की तरफ से है वुड यू प्रेफर टू गो ऑन अ डेट विद अ फैन गर्ल, वाई नॉट यार, तुम लोग मेरे को इतना प्यार देते हो और तुम लोगों से लॉयल कोई नहीं होगा मेरे को पता है, जहाँ तक यह मक्खी इतनी लॉयल है ना मेरा दिमाग खराब कर देगी। मैं कह रहा था तुम लोगों से लॉयल कोई नहीं है, तो आई लव यू ऑल यार फॉर स्टेइंग इन माई लाइफ और मेरे को इतना प्यार देने के लिए। जिनको लग रहा है ऐसा कुछ सच में हो रहा है, तो यार देखो मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं तोतला हो जाता हूँ, तो कभी मैं अगर तुमसे मिलूँ और अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो कुछ नहीं,
दीदी पूछ रही है व्हाट ट्रेजेडीज यार, दीदी पूछ रही है व्हाट ट्रेजेडीज, दीदी पूछ रही है व्हाट ट्रेजेडीज हैड हैपेंड ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम एंड व्हाट वाज योर एंड योर एक्स ब्रेकअप स्टोरी, व्हाट डू यू वांट टू नो दैट, आई डोंट हैव एनी एक्स, आई डोंट वांट टू इंक्लूड एनी बडी इन माई लाइफ, आई एम सो फोकस्ड राइट नाउ, आई जस्ट सी माई सेल्फ अचीविंग थिंग्स एंड बोरिंग आई गेस, दैट्स इट. कोकिला बोल रही हैं कि हुम डू यू लव द मोस्ट इन योर हाउस, सो माई मॉम, माई डैड एंड एक लिचड़ हो रहा है मेरे घर में, करता हूँ ठीक है, हो जाता मतलब. रिधिमा बोल रही है आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई रियली लाइक योर वीडियोज, बाय द वे माई क्वेश्चन इज शेयर अ इंसिडेंट ऑफ योर स्कूल टाइम्स. स्कूल टाइम्स में हाँ एक इंसिडेंट ऐसा है कि मेरे को एक बार एक टीचर ने उठा के पूछा आपको फ्यूचर में क्या बनना है, सो आई सेड कि मेरे को उड़ने वाली चेयर बनानी है, एंड वो अभी तक मुझे ताने पड़ते रहते हैं लोगों से कि तू तो उड़ने वाली चेयर बना रहा था, तो उड़ ही रहे हैं, उड़ने से कम थोड़ी है. तो निशा बोल रही हैं कि आपका निकनेम जो आपके घर वालों ने रखा हो, तो एवर हैड एनी क्रश इन सी यू, नहीं कोई नहीं, और मेरा निकनेम काका हो काका करके था, वो चाय वाले नहीं होते वो काके गल सुनी चा लैके आई इतने, वैसा वाला था सीन. मैंने घर वाले को बोला भाई तुम आपने बच्चा पैदा किया है या आपने काम वाला पैदा किया हुआ है, काका काका क्या है, फिर उसके बाद से ये डिस्कशन बंद हो गई और मेरा नाम कभी भी काका नहीं बुलाया गया. तू बुला चपेड़ा पैनी इतो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आदिया की तरफ से, डू यू बिलीव इन ट्रू लव, बट तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ, आई डू बिलीव इन ट्रू लव बट तेरी नजरों ने दिल का कुछ, देखो बात ये है ट्रू लव हो जाता है बट मेरे को नहीं होता यार, कब होगा. आपका फेस इतना ग्लो कैसे करता है, ये क्वेश्चन है तेजस की तरफ से. भाई मेरा फेस ग्लो पता नहीं कैसे करता है, अभी तुम्हें देख रहा होगा भाई 12 बजे हुए मेरे फेस के, फिर भी मैं क्यू एन ए वीडियो बना रहा हूँ. इट्स जस्ट यू हैव टू बी हैप्पी बट हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ. आई डोंट नो यार, मेरे को मैं बस पानी पीता हूँ कम कम, ज़्यादा भी पी लेता हूँ कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट जेनेटिक्स. कविता बोल रही है व्हेन विल यू स्टार्ट योर गेमिंग चैनल, तो गेमिंग चैनल मैं इसी चैनल पे करता हूँ, बट इफ़ यू वांट अनदर चैनल मैं बना दूंगा, बट अभी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है यार इतने कि मैं गेमिंग पीसी बिल्ड करूँ. उसके बाद आप सब्सक्राइब करो ना, पक्का करूँगा मैं पक्का. आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, और मुझे तो बहुत आया आंसर्स देने में. ऐसे हम एक हफ्ते में क्यू एन ए वीडियो कर लिया करेंगे, मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, आप उस पर कमेंट कर देना, या तो हम कहीं पर हैशटैग यूज़ कर सकते हैं इस पर कि हैशटैग आंसर माई क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ भी एक सीरीज शुरू कर देंगे ठीक है. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फॉर फर्दर क्वेरीज और ये सब चीज़ें, मैं जहाँ पे भी बताऊँगा. एक तुम्हारे बाल, तो जो भी होगा मैं अपडेट डाल दूंगा उसका. बाकी आपको मेरे चैनल पे एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर चाहिए आपको. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप सब लोगों को अच्छी लगी होगी, और नहीं लगी अगर तो आगे बना दूंगा अच्छी ठीक है. यार बुरा मत माना करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, प्यार बरसाओ यार, बरस नहीं रहा लेकिन तुम लोगों को बरसाना पड़ेगा. एंड आई लव यू ऑल एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हुल्ला हुल्ला रे मचाओ और पीस आउट.